पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। नीट यूजी पेपर लीक मामले में आज एक बार फिर से यानी कि 11 जुलाई को सुनवाई करने होने जा रही है। आपको बता दें कि 8 जुलाई को जो सुनवाई हुई थी उसके बाद अब आज एक बार फिर से सुनवाई होगी और आज री एग्जाम से लेकर पेपर लीक के हर मामलों पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करने जा रही है। आपको बता दें कि नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करने वाला है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच आज यानी कि 11 जुलाई को परीक्षा में अनियमितता और री एग्जाम की याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। केंद्र और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के एफिडेविट के बाद बंद लिफाफे में केंद्रीय जांच एजेंसी ने भी सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट दायर की है। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि नीट पेपर लीक केवल एग्जाम सेंटर्स तक ही सीमित है या सोशल मीडिया पर लीक नहीं हुआ है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 8 जुलाई को सुप्रीम के सुनवाई के दौरान ये कहा था कि नीट यूजी 2024 की रूल के साथ समझौता हुआ है तो परीक्षा रद्द होनी चाहिए। सीबीआई ने अपनी जांच रिपोर्ट में कहा था कि पेपर लीक की घटना स्थानीय दौर पर हुई है, परीक्षा का पेपर सोशल मीडिया पर सर्कुलेट नहीं हुआ है। थोड़ी ही देर में कोर्ट मामले की सुनवाई शुरू करने वाला है। वहीं बता दें केंद्र सरकार ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर सुनवाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। केंद्र ने हलफनामे में कहा कि भारत सरकार उन छात्रों की चिंताओं को दूर करने के लिए बाध्य है जिन्होंने नीट परीक्षा 2024 दी है। हलफनामे में कहा गया कि सरकार समाधान खोजने के लिए चौतरफा प्रयास कर रही है, साथ ही यह सुनिश्चित कर रही है कि किसी भी दोषी उम्मीदवार को बिल्कुल लाभ ना मिले। बता दें कि यह भी सुनिश्चित किया जाए कि 23 लाख छात्रों पर सिर्फ आशंकाओं के चलते एक नई परीक्षा का बोझ भी नहीं डाला जाए। वहीं सीजेआई ने याचिकाकर्ताओं के सभी वकीलों से कहा है कि वह 10 जुलाई तक अपनी दलीलें पेश कर दे। उसमें उन्हें बताना होगा कि नीट यूजी परीक्षा दोबारा क्यों होनी चाहिए। इसी किसी भी वकील की दलील 10 पन्नों से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नीट 2024 यूजी परीक्षा की अगली सुनवाई 11 जुलाई यानी कि आज होनी है। वहीं सीजेआई का कहना है कि यदि परीक्षा की पवित्रता खत्म हो जाती तो दोबारा परीक्षा का आदेश देना होगा। यदि दागी और बेदाग को अलग करना संभव नहीं है तो दोबारा परीक्षा का आदेश देना है और दोबारा परीक्षा होगा। यदि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पेपर लीक हुआ है तो ये जंगल में आग की तरह फैल सकता है और बड़े पैमाने पर लीक हो सकता है। वहीं आपको अब ये भी बता दें कि सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि नीट पेपर लीक की घटना स्थानीय स्तर पर हुई है, सोशल मीडिया पर जो नीट का पेपर है वो सर्कुलेट नहीं हुआ है। अब 8 जुलाई को सुनवाई के बाद जो है आज सुनवाई होने जा रही है। देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ फैसला सुप्रीम कोर्ट लेती है, क्या उन बच्चों को दोबारा एग्जाम देना होगा जिनका इनमें कोई हाथ नहीं है, क्या अगर बड़े पैमाने पर ये पेपर लीक हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट इसको री एग्जाम पेश करती है नीट पेपर लीक का या फिर नहीं करती है। सारी तमाम खबरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाए। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।